नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो दोस्तों, यदि आप रेलवे में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट, टोटल पोस्ट कितनी है डिवीजन वाइज, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, अप्लीकेशन फीस के बारे में, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टॉक विद हेमराज में। तो चलिए दोस्तों, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, ईस्ट सेंट्रल रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला है। इसके फॉर्म में 6 अक्टूबर 2021 से भरना स्टार्ट हो गए हैं और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 5 नवंबर 2021। इसके बाद आप यहां देख सकते हैं टोटल फ्लॉट हैं 2206, मतलब कि 2206 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसके बाद आपको यहां पास मोड ऑफ सिलेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपका यहां पास सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। 10th क्लास, अभी मेरिट लिस्ट जो है तो कैसे तैयार की जाएगी, तो आपके 10th क्लास के परसेंटेज का 50% और ITI एग्ज़ाम का 50%, इन दोनों को मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और इसी आधार पर आपका यहां पर सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद आपको डिवीजन वाइज और ट्रेड वाइज वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे दानापुर डिवीजन में फिटर, बिल्डर, मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक, फॉर्जर एंड हीट ट्रीटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड में वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 675 पद हैं दानापुर डिवीज़न में। इसके बाद आता है धनबाद डिवीज़न में। धनबाद डिवीज़न में फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, बेल्डर, मैकेनिक डीजल और वायरमैन ट्रेड में वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 156 पद हैं धनबाद डिवीज़न में। इसके बाद आता है प्लांट डिपोजिट प्लान पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न में फिटर, मैकेनिस्ट, बिल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, ग्राइंडर, टर्नर, मैकेनिक, MB, मैकेनिकल डीजल, इस ट्रेड में वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 135 पद हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न में। फिर इसके बाद आता है समस्तीपुर डिवीज़न में। समस्तीपुर डिवीज़न में फिटर, टर्नर, बिल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, पेंटर, जैन, कारपेंटर, मैकेनिकल, फिर लाइब्रेटरी असिस्टेंट, इस ट्रेड में वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 81 पद हैं। फिर इसके बाद आता है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न। इस डिवीज़न में आप देख सकते हैं फिटर के लिए भी है, मैकेनिस्ट, बेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, MMTM, टर्नर, वायरमैन, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक, ये सभी ट्रेड में वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 892 पोस्ट हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न में। तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कैरेज एंड वागन रिपेयर वर्कशॉप हरनौत में। तो इसमें टोटल 110 पद हैं और फिटर, मैकेनिस्ट, बिल्डर, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में वैकेंसी निकाली गई है। फिर इसके बाद मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर में 110 पद हैं और फिटर, मैकेनिस्ट, बिल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इस चार ट्रेड में वैकेंसी निकाली गई है समस्तीपुर डिवीज़न मैकेनिकल वर्कशॉप में। फिर इसके बाद सोनपुर डिवीज़न में आप देख सकते हैं फिटर, ब्लैक स्मिथ, बिल्डर, कारपेंटर और पेंटर ट्रेड में वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 45 पद हैं सोनपुर डिवीज़न में। तो इस प्रकार सभी डिवीज़न को मिलाकर और सभी ट्रेड की वैकेंसी को मिलाकर टोटल 2206 पद अप्रेंटिसशिप के लिए निकाले गए हैं। तो दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें, रेलवे की तरफ से आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। फिर इसके बाद आपको यहां पास देखने के लिए मिल जाएगा एलिजिबिलिटी कंडीशन, एज क्राइटेरिया।
तो मिनिमम 15 साल एज रखी गई है और मैक्सिमम 24 साल। तो यदि आपकी उम्र 15 साल से लेकर 24 साल के बीच में है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यदि आप फिर 10वीं पास हैं 50% के साथ और साथ में ITI किए हैं तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको पेमेंट ऑफ फीस यानी अप्लीकेशन फीस देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपकी फ़ीस यहाँ 100 रुपये लग रही है ओनली, लेकिन यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या PWBD कैंडिडेट हैं या महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी फ़ीस 1 रुपये नहीं लग रही है। आप निःशुल्क इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।